मैं सुधाकर सिंह वैशाली बिहार से बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं और मेरे साथ कुछ राघव रीजनिंग क्लास के कुछ साथीगण हैं जो आपको बिहार से जुड़ी कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए सुनते हैं और शुरू करते हैं। शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह एक छोटा क्षेत्र है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। रामनगर दून, यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। सुमेश्वर श्रेणी, इसकी विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना कोठी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इसका शीर्ष भाग बिहार तथा नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में है। दून घाटी, उपरोक्त दोनों उप विभाजन के बीच स्थित इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर ऊंची है। धन्यवाद, आगे की जानकारी और लोग देंगे। मैं मेरा आज का विषय है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। राज्य को कृषि जलवायु के दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसमें पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिम का मैदान तथा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस विभाजन के अनुसार राज्य के जिलों का वितरण सारणी 2 में किया गया है। भूमि प्रयोग, भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य साधन है। इनके अनेक वैकल्पिक प्रयोगों के आधार पर ही मानव जीवन की समृद्धि एवं गुणवत्ता निर्भर करती है। बिहार विभाजन के उपरांत शेष बिहार में भूमि उपयोग की प्रकृति की सही जानकारी राज्य की भावी विकास योजना के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। मैं प्रीति कुमारी, गया बिहार से। आज मैं बिहार की श्रृंखला में बिहार की जलवायु के बारे में बताने जा रही हूँ। बिहार भारत के उत्तरी मैदान में स्थित है, जिसका जलवायु क्षेत्र उसके पूर्वी भाग में आंध्र तथा पश्चिमी भाग में आंध्र शुष्क जलवायु है। बिहार का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्रभावित होती है। बिहार का अधिकतर भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, फिर भी यहाँ की जलवायु गर्म और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। बिहार में वर्षा सामान्य होती है और देश के अन्य भागों की भांति यहाँ की जलवायु में विभिन्नता और मौसम की परिवर्तन होता है। बिहार की जलवायु पर उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने में कुछ कारक हैं, जैसे हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। बिहार की जलवायु की प्रकृति पूर्ण रूपेण महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती, क्योंकि वर्ष के अधिकांश भाग में वायु में पर्याप्त नमी रहती है। इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में साल में 3 प्रमुख मौसम पाए जाते हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून तक होता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। धन्यवाद। विज्ञान श्रृंखला में मैं काजल कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। मिट्टी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी किसे कहते हैं? मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत मिट्टी को एक अति महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। कृषि एवं वनस्पति का मूलाधार मिट्टी ही है। सामान्य रूप से ऐसी मान्यता है कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं उसे मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बलुई मिट्टी, नंबर 2 खादर मिट्टी, नंबर 3 वागर मिट्टी, नंबर 4 दलदली मिट्टी, नंबर 5 लाल पीली मिट्टी, नंबर 6 लेटराइट मिट्टी, 7 नंबर काली मिट्टी, 8 नंबर लाल बलुई मिट्टी। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार बर्नवाल, बिहार के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिहार भारत के उत्तरी मैदान के जिस जलवायु क्षेत्र में है उसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क जलवायु है।
मुख्यतः बिहार का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्रभावित होता है। बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है। फिर भी यहाँ की जलवायु गर्म और अधिकतम तापमान भी 45 से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा सामान्य होती है और देश के अन्य भागों के भांति यहाँ की जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। बिहार की जलवायु पर वस्तुतः उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटतम नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता बिहार की जलवायु की प्राकृतिक रूप पूर्ण रूपेण महाद्वीपीय नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ अधिकांश भाग में वायु में पर्याप्त नमी रहती है। इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति का क्षेत्र कहा जा सकता है। यह साल में 3 प्रमुख मौसम पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से, बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। उत्तर बिहार का यह मैदान समतल एवं एकरूपी होने के बावजूद यहाँ की प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता रखता है। मैदान के उत्तर में दलदल भूमि की लंबी मेखला पाई जाती है। इस मैदान का दक्षिणी सीमांत का क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। गंगा के सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं पर झील तथा नदियों के परित्यक्त पथ के अलावा उच्च भूमि भी हैं। मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत मिट्टी के एक अति महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। कृषि एवं वनस्पति का मूल आधार मिट्टी ही है। मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया में जलवायु के विभिन्न कारकों का प्रमुख हाथ रहता है, जिसमें जल वर्षा, आर्द्रता और तापमान मुख्य हैं। अब आगे की जानकारी अशोक जी देंगे। धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार सुपौल बिहार से, मैं मिट्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत मिट्टी को एक अति महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। कृषि एवं वनस्पति का मूलाधार मिट्टी है। मान्यता है कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप जो तत्व एक विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं, मिट्टी कहलाता है। बिहार की मिट्टी को 2 कोटियों में रखा गया है। पहला है अवशिष्ट मिट्टी, दूसरा प्रवाह मिट्टी। धन्यवाद। बिहार ज्ञान के श्रृंखला में मैं सुधाकर सिंह वैशाली हाजीपुर बिहार से, बिहार ज्ञान के श्रृंखला में आज का टॉपिक होगा भांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। तराई मिट्टी की पट्टी के दक्षिण में भांगर मिट्टी का क्षेत्र है, जिसका सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई भांगर की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। बलसुंदरी मिट्टी, इसका विस्तार भांगर क्षेत्र के बाद है, जो पूर्णिया के दक्षिण भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को घेरता हुआ पूरे सारण जिले तथा चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैला है। भांगर की अपेक्षा यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र यह क्षारीय प्रकृति की है, क्योंकि इसमें चूने की मात्रा 30% से भी अधिक है। इसका हल्का रंग भूरा गहरा एवं
सफ़ेद होता है। यद्यपि यह निम्न उर्वरता की मिट्टी है तथा सिंचाई में इसके मोटे अनाज की फसलें उगाई जा सकती है। यहाँ की मुख्य फसलें मक्का, ईख, धान, गेहूँ और तंबाकू है। इस क्षेत्र में आम, लीची और केले के बगान पाए जाते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान में भी मुख्य रूप से तीन प्रकार के मिट्टियाँ का क्षेत्र है। ताल मिट्टी। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। संरचना की दृष्टि से यह मिट्टी बारीक से मोटे कोण वाले धूसर रंग की भारी मिट्टी होती है। कुछ हिस्सों में मिट्टी के बलुई केबल भी शामिल होते हैं, पुरानी जलोढ़ या कैरल केबल मिट्टियाँ। इस प्रकार के विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर होता हुआ भागलपुर तक है। इसके बड़े क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण इनमें स्थानीय भिन्नता भी पाई जाती है। विशेषकर मध्य भाग में कुछ नदियाँ पास बल सुंदरी और दोरस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका रंग गहरा भूरा, नीला, पीला एवं हल्का पीला होता है। केरल मिट्टियाँ में क्षारीय प्रकृति, जो केवल मिट्टियों में क्षारीय एवं अम्लीय गुण के काफ़ी सम्मिलित होते हैं। आगे की जानकारी जीतू जी से लीजिए, धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा बिहार से, बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मानसून परिवर्तन के बारे में। बिहार में मानसून परिवर्तन काल मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। इसे शरद ऋतु काल भी कहा जाता है। इस समय का मौसम शीतल, सुहावन एवं सरल होता है। आर्द्रता और ओस पड़ने से वातावरण में तापमान का घटना शुरू हो जाता है और मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहती है। इसे ही मानसून परिवर्तन कहते हैं। इसी समय मैदानी भागों में ठंडी पछुआ और उत्तरी हवाओं का बहना शुरू हो जाता है। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा, बिहार ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे से पूर्व अशोक जी ने बिहार ज्ञान के कुछ तत्वों को बताया है। अब उससे आगे बिहार के मैदानी भाग के गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर जहाँ से छोटा नागपुर का पठारीय हिस्सा आरंभ होता है, बलथर मिट्टी का संकीर्ण विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी का क्षेत्र पश्चिम से कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी परत है। इसका रंग पीलापन लिए हुए लाल एवं प्राकृतिक अम्लीय होता है। इसमें रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है, इस कारण अधिक देर तक पानी नहीं ठहरता है। इसकी उर्वरक शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में अरहर, कुर्थी, ज्वार, बाजरा आदि अनाज उपजाए जाते हैं। बिहार भारत के उत्तरी मैदान में स्थित है। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। बिहार का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्रभावित होता है। बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा पर पड़ता है, फिर भी यहाँ की जलवायु गर्म है और अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिकतम चला जाता है। यहाँ वर्षा सामान्य होती है और अन्य देशों की तरह यहाँ जलवायु में विविधता और मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। बिहार की जलवायु पर उन सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है जो भारत की जलवायु पर को प्रभावित करता है। बिहार की जलवायु निम्नलिखित कारकों से खास तौर पर प्रभावित होती है। पहला, हिमालय की स्थिति से कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, नॉर्वेस्टर एवं अन्य ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता। यही यहाँ साल में 3 प्रमुख मौसम पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक होती है, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक है तथा शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है। अभी इन तथ्यों से संबंधित एक प्रश्न कर रही हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बलथर मिट्टी में किस किस अनाज की उपज की जाती है? धन्यवाद। मैं पूजा कुमारी, जिला वैशाली। मिट्टी के बारे में विस्तार से। मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत मिट्टी को एक अंतिम महत्वपूर्ण साधारण माना जाता है। कृषि एवं वनस्पति का मूल धारण मिट्टी ही
हैं। सामान्य रूप से ऐसे मान्यता कि चट्टानों को टूटने फूटने तथा इनमें से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं मिट्टी कहलाते हैं। मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया में जलवायु के विभिन्न कारकों का प्रमुख हाथ रहता है, जिसमें जल वाष्प आर्द्रता और तापमान मुख्य है। निर्माण प्रक्रिया के दृष्टि से बिहार की प्रमुख निर्माण प्रक्रिया के दृष्टि से मिट्टियों को दो प्रधान को कोटियों में रखा जाता था। अवशिष्ट मिट्टी पहला, दूसरा प्रवाही या अपोट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी को ही मिट्टी वह जिनका निर्माण होता है। मैं ममता कुमारी भागलपुर जिला बिहार से ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताना चाहती हूँ। इस मौसम में तापमान निरंतर बढ़ता जाता है और वायु भार कम होता जाता है। अप्रैल एवं मई माह में सूर्य की स्थिति उत्तरायण रहती है और तेज धूप के कारण दिन का तापमान काफी बढ़ जाता है। धन्यवाद। मैं बबली कुमारी मुजफ्फरपुर जिला से बिहार ज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र। राज्य को कृषि जलवायु की दृष्टि से चार भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी उत्तर का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिम का मैदान तथा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इस विभाजन के अनुसार राज्य के जिलों का श्रेणी कृषि जलवायु क्षेत्र और जिला। पश्चिमोत्तर का मैदान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी इत्यादि क्षेत्रों में। पूर्व का मैदानी भाग मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा इत्यादि। दक्षिण पश्चिम का मैदान गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास इत्यादि क्षेत्र। भूमि प्राकृतिक द्वारा बहुमूल्य साधन है। अनेक वैकल्पिक प्रयोगों के आधार पर मानव जीवन की समृद्धि एवं गुणवत्ता पर निर्भर करती है। थैंक यू। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक यहाँ शीत ऋतु का समय होता है। स्वच्छ आकाश, सहनीय सूर्य की मृदुल किरणें, मंद पछुआ हवा, शांत रात्रि एवं सबनम से परिपूरित सुबह यहाँ की शीत ऋतु को विशिष्ट बना देती है। प्रायः दिसंबर और जनवरी के महीने में चक्रवृद्धि तूफानों द्वारा व्यवधान होता है। ये तूफान बादलों का विकास राशि वाले होते हैं जो झंझवातीय वर्षा करते हैं। इसमें ठंड में अचानक काफ़ी वृद्धि हो जाती है। यद्यपि ये रवि फसलों के लिए काफ़ी गुनहगारी सिद्ध होते हैं। सामान्य तौर पर यहाँ शीत ऋतु काल में कुछ वर्षा भी होते हैं जो 5-10% कम हो जाती है। संपूर्ण बिहार में नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस 22.2 डिग्री तक पाया जाता है, जबकि जनवरी माह का औसत तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से 10.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जनवरी माह यहाँ सर्वाधिक ठंडा माह है। इन दिनों में मैदानी भागों में औसत अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तर पश्चिमी बिहार में शिवालय श्रेणियों के समीप पाला गिरने की संभावना रहती है, जिससे फसलों खास तौर पर आलू आदि को काफ़ी क्षति पहुंचाती है। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं जीतू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पीछे सुधाकर जी ने बिहार के कुछ तथ्य के बारे में बताया, अब आगे। बिहार में अस्थाई चरागाह 19,227 हेक्टेयर में फैला है, जिसका क्षेत्रफल 0.20 है। बगान और बगीचे 2,33,027 हेक्टेयर में हैं। प्रति भूमि 2 से 5 वर्ष के बीच में 1,52,120, प्रति भूमि 1 वर्ष में 6,32,301 हेक्टेयर, कृषि योग्य भूमि 37,56,363 हेक्टेयर तथा कुल बुआई क्षेत्र 56,03,205 हेक्टेयर।
कुल उपज क्षेत्र 79,46,435 हेक्टेयर तथा एक बार से अधिक बुआई वाला क्षेत्र 23,43,320 है। आज के लिए इतना ही। अब इस पूरे ग्रुप द्वारा बोले गए तथ्यों से कुछ प्रश्न जिसको आपको कमेंट में देना होगा। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा राज्य है? दूसरा, बिहार कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तीसरा, उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम कितना लंबा एवं चौड़ा बिहार है? चौथा, बिहार में कुल कितने जिले हैं? पांचवा, बिहार का क्षेत्रफल किस खाड़ी की मानसून शाखा से प्रभावित है? छठवा, बिहार में साल के तीन प्रमुख मौसम कौन कौन हैं? बिहार में कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है? आठवा, शीत ऋतु का समय कब से कब तक रहता है? नौवा, गंगा के दक्षिणी में कितने प्रकार की मिट्टियों का क्षेत्र है? दसवा, बिहार में कौन सी फसल की श्रेष्ठ उपज होती है? ग्यारह, उत्तरी बिहार के क्षेत्र में बहने वाली दो नदियों का नाम बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं दीपक कुमार बक्सर से, मेरे अन्य साथी अलग अलग जिला से, जैसे सुधाकर जी हाजीपुर से, अशोक जी धनबाद से, सुदर्शन जी छपरा से, जीतू जी तमिलनाडु चेन्नई से, रेणु जी रोहतास से, अतुल जी बक्सर से, किरण जी भोजपुर से और शिखा जी हाजीपुर से, आपको बिहार की संपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाते हुए आज 20वां एपिसोड आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक दिन की तरह आज भी लास्ट में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाने हैं। तो शुरू करते हैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयतकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। आगे की जानकारी सुदर्शन जी द्वारा। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, आप सभी ग्रुप साथियों को। आज मेरा विषय वैष्णव धर्म भागवत धर्म है। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु पूजा है। महाभारत में विष्णु की ही कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं, जो कृष्ण के कबीले से संबंधित है। भगवान विष्णु के इतिहास में 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे 6/5/2024 मैं भोला कुमार गनीपुर बेजा सकरा मुजफ्फरपुर बिहार से। आज का मेरा टॉपिक गंगा की मैदान। गंगा की मैदानी क्षेत्र उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में झारखंड के छोटा नागपुर के उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के भूखंड का लगभग आधा भाग है। गंगा के दक्षिणवर्ती मैदान की संरचना अधिक जटिल है। यहाँ कांप एवं खादर क्षेत्रों में दलदली जमाव भी पाए जाते हैं। यहाँ के बीचों बीच में प्राचीन शैल के उभरे हुए भाग दिखाई देते हैं। इसकी दाल सर्वथा एक समान और धीमी है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर की मध्य में है। औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य में है। कहीं कहीं इसकी अधिक गहराई भी है। गंगा नदी इस मैदान का दो भागों में बांटती है। उत्तरी गंगा में स्थित बिहार का मैदान घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक एवं कोसी नदियों के बहने का क्षेत्र है। गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी
इत्यादि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और रेत से बनी निर्मित जलोढ़ पंख का क्षेत्र है। यहाँ पर नदियों अपना प्रवाह का पथ बदलती है। गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार के उत्तरी उत्तर फैली है। दक्षिणी बिहार का मैदान भी मुख्यतः समतल है। दक्षिण मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस मैदान का निर्माण पठार प्रदेश से होकर बहने वाली नदी के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है। यहाँ क्षेत्र मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, गंगा, सोन, द्वाब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उत्तर में राजमहल की पहाड़ी तथा उत्तर पश्चिम में कैमूर की पठार भी इसी श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं अतुल बक्सर से। जैसा कि आपने शिखा जी के द्वारा बिहार के भौगोलिक संरचनाओं के बारे में सुना, अब इसके आगे आप मेरे द्वारा सुनेंगे। बिहार के मैदानी भाग में जुलाई माह में औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं सितंबर माह एवं अक्टूबर माह में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल मध्य अक्टूबर से नवंबर तक होता है। इस समय हल्की सर्दी एवं गर्मी रहती है। नवंबर से फरवरी तक का समय शीत ऋतु का होता है। शीत ऋतु का मौसम रबी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। शीत ऋतु में 5-10% वर्षा भी होती है। पूरे बिहार में नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, जबकि जनवरी का औसत तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड रहती है। मैदानी भागों में औसत तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस से 18.6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों के समीप पाला गिरने से अधिक संभावना रहती है। बिहार वर्षा का विवरण। बिहार के उत्तरी भाग में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बिहार के दक्षिण भाग में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा मध्य बिहार में 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इससे जुड़े एक प्रश्न, रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके आगे की जानकारी आप सुधाकर जी के द्वारा सुनेंगे। धन्यवाद।